Hello students, welcome to math classes. Today we solve question 2nd and 3rd of exercise 1.1 chapters 1st number system for standard 9. The second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. So we know that infinite rational numbers between any two numbers. तो कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ क्या बोला गया है कि 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने 6। तो हमें पता है कि 3 और 4 के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, उसमें से सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है, 6 नंबर्स लेने हैं। तो मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो इसके लिए सपोज कि हमारे पास कितने नंबर्स हमें लेने हैं, 6। तो हम क्या ले लेंगे, सपोज इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे दोनों साइड पे मैं 7 से, अगर मुझे 6 नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं एक नंबर और बढ़ा के क्या कर दूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 21 और 7 बन जा 7, और यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 28 और 7 बन जा 7। तो यहाँ पे अगर हमें 6 नंबर चाहिए तो 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 उसके बीच में हमें 6 नंबर मिल जाएंगे। तो 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7 और 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। तो ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि पीक्यू फॉर्म में ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो हर वक्त 7 से मल्टीप्लाई करो। आपको अगर सपोज यहाँ पे किसी को 10 से मल्टीप्लाई करना तो वो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन जो फर्स्ट नंबर को करना है वही सेकंड नंबर को भी करना है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पे 40 अपॉन 10 हो जाएगा। तो 30 और 40 के बीच में कोई भी 6 नंबर हम ले पाएंगे। सपोज यहाँ पे 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, ओके 35 अपॉन 10 और 36 अपॉन 10, ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। तो इसका आंसर तो फिक्स नहीं होता है, और स्टूडेंट अपने हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और अपने हिसाब से यहाँ पे रेशनल नंबर मिलता है, क्योंकि दो नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है। ओके तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका आंसर ला रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा वही है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे 3 अपॉन 5 है और 4 अपॉन 5 है, तो यहाँ पे 5 नंबर से हमें रेशनल नंबर चाहिए। तो एक और बड़ा 6 ले लो, 6 अपॉन 6, यहाँ पे भी 6 अपॉन 6, ओके तो यहाँ पे कितना जाएगा, 18 अपॉन 30, और यहाँ पे भी कितना जाएगा, 24 अपॉन 30। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 6 ही है, तो यहाँ पे जो नंबर से कर रहे हैं वही सेकंड नंबर को भी मल्टीप्लाई में वही नंबर से लेना है। ओके तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 18 अपॉन 30 है तो ये दूसरा नंबर कौन सा रहा, 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, ये दो नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि हमें उनके बीच के नंबर चाहिए, बिटवीन टू नंबर्स 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच। तो 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 और 23 अपॉन 30, तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई करके ले सकते हो या 10 से कर सकते हो। ओके तो आपको अच्छी तरह से ये नंबर्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।